सो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सबका फिर एक न्यू वीडियो में। आज मैं जाने वाला हूं मछली मारने। कहां जाने वाला हूं मछली मारने? चलिए दिखाते हैं, हम जाने वाले हैं इधर मछली मारने। हम लोग जाने वाले हैं वहाँ वहाँ जो आप देख रहे हैं पानी, वहाँ पे हम जाएंगे और मछली मारेंगे। चलिए मिलते हैं वहाँ पे। और ये रहा मेरा बैग, इसमें है भिरका, जो कोई भौरी जाल बोलता है, कोई भिरका बोलता है अदर। सो गाइस, देख सकते हैं हमारे गांव है, और गांव से ठीक आप सामने देख सकते हैं पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, जो क्लियरली यहाँ से हम लोग का पहाड़ दिखाई पड़ता है। आई थिंक ये पहाड़ का क्या नाम है नहीं पता, शायद हिमालय पहाड़ बोल रहे हैं। पापा को पूछे तो पापा बोलता है हिमालय पहाड़ है। और देख सकते हैं यहाँ से क्लियर स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं पहाड़, कितना खूबसूरत देखने में नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे अब मछली मारेंगे और देखेंगे कौन कौन से मछली मिल रही है और मछली हो रहा है कि नहीं। चलिए मछली तो मारने गए थे, बट एक चीज भूल गए, जो एक रस्सी भूल गए। रस्सी किस लिए होता है कि अगर हम दूर में जाल फेंकते हैं तो उसके लिए एक रस्सी चाहिए होता है, और रस्सी वो भूल गए। तो चलिए वो रस्सी लेके आते हैं, चलते हैं घर, और रस्सी के बिना जाल फेंकना मुमकिन क्या? नामुमकिन है। चलिए आपको जहाँ पे हम मछली मार रहे थे वहाँ पे तो मछली नहीं मिला। अब जा रहे हैं इधर, इधर जाएंगे। यहाँ पूरा रेत ही रेत नजर आ रहे, पूरा बालू है, पता नहीं कैसे चला जाएगा, बहुत बालू गर्म है। अब देखते कितना दूर तक चला जाता है, फिर कहीं के रुकना पड़ेगा। और रुकने का एक यहाँ पे तरीका होता है कैसे रुका जाता है, क्योंकि बालू बहुत चारों तरफ गर्म रहता है, अगर गर्म बालू में आप रुक नहीं सकते तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। चलिए क्या करना पड़ता है, चलिए आपको दिखाते हैं। भी मारो, बालू को हटाना पड़ता है, कुछ इस प्रकार बालू को हटाना पड़ता है कि अंदर वाला बालू ठंडा रहे। बस इस तरीके से बालू को हटाया दिया जाता है कि अंदर वाला बालू ठंडा रहे, तो आप यहाँ पे कुछ देर तक खड़ा हो सकते हैं। ऐसे आप ये वाला बालू में आप खड़ा नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ही गर्म रहता है ये वाला बालू, और इस वाला ठंडा रहता है, आप इसमें एक दो मिनट तक खड़ा रह सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना, ये बहुत दूर है, अभी हमको ऐसे ही करते करते जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बालू बहुत गर्म है, अब हमको दौड़ना पड़ता है क्योंकि बहुत ही बालू गर्म हो चुका है, अब बिना दौड़े नहा नहीं जाएगा। पूरा थक गया यार। पूरा थक गया यार। उधर से आते आते ओ
बहुत थक गए। हमारे गांव के बच्चे सब इधर मछली मार रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग मछली मार रहे हैं। उम्र ज़्यादा नहीं होगा, 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल ऐसे ही कुछ होगा, फिर भी देख सकते हैं कितना खुशी से मछली मार रहे। सो गाइस, मछली मारते मारते लग गया प्यास, अब हमको पीने जाना है पानी। घर तो बहुत दूर है यहाँ से, पानी तो घर नहीं पीने जा सकते हैं, बस यहीं पे कुछ इंतजाम किया पानी पीने का। चले कैसे पानी पीते हैं देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे। अगर आप कहीं ऐसे जगह में फंस जाए, अगर प्यास लग जाए, अगर पानी नहीं मिले, तब ऐसे पानी पी सकते हैं, अगर नदी हो तो। देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा देर पहले गड्ढा खोद के गए। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा देर पहले गड्ढा खोद के गए थे, जो कि पानी अभी हो गया है यहाँ पे। अब एक यहाँ पे आइडिया है जो यहाँ पे हम पानी पी सकते हैं किसी तरह, तो जान बचाने का लायक तो पीना ही पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे पीते हैं। देख सकते हैं पानी पी लिए। सो गाइस, पानी पी लिए, अब मछली मारते हैं। अब कहाँ कैसे मछली मिलेगा, अब मछली मारे। सो गाइस, देख सकते हैं कैसे जाल फेंकते हैं, ये देख के अब इसको फेंकेंगे। इससे तो जाल फेंका जाता है, मछली आगे नहीं देख रहे हैं कि इसमें मछली फंसा है कि नहीं। देख सकते हैं यही कुछ मछली मिला, शायद नहीं दिख रहा है कि बस इतना ही मछली मिला। आप देख सकते हैं बस इसमें हो जाएगा मेरा।